अपेक्स यूनिवर्सिटी में अपेक्स स्कूल ऑफ साइबर और फॉरेंसिक का उद्घाटन। जयपुर 13 जुलाई 2024। अपेक्स यूनिवर्सिटी ने सीतापुरा स्थित अपने कैंपस में अपेक्स स्कूल ऑफ साइबर और फॉरेंसिक का उद्घाटन किया। इस समारोह में हेमंत प्रियदर्शी डीजी साइबर क्राइम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अजय शर्मा डायरेक्टर स्टेट फॉरेंसिक लैब भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर रवि जूनीवाल और वाइस चांसलर पी छंगानी ने अतिथियों का स्वागत किया। यूट्यूबर अमित भड़ाना ने छात्रों के साथ सफलता के टिप्स साझा किए। हेमंत प्रियदर्शी ने अपने संबोधन में कहा कि नई तकनीकों का दुरुपयोग पहले और सदुपयोग बाद में किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही प्रयोग करने के लिए एक मजबूत और कुशल टीम तैयार करनी होगी। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम से बचाव के लिए लोगों को सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है। अपेक्स स्कूल ऑफ साइबर और फॉरेंसिक का उद्देश्य साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक में छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना है। ये संस्थान तेजी से बदलते साइबर खतरों और फॉरेंसिक तकनीकों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्घाटन समारोह में शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कानून प्रवर्तन के प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया और ऐसी पहलों की आवश्यकता पर बल दिया। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक रिपोर्ट के संवाददाता मोहम्मद नफीस की। आज के इवेंट एक्चुअली दो पॉइंट्स पे थे। एक तो अपेक्स यूनिवर्सिटी ने 50 इंडस्ट्री के साथ में MOU साइन किया है और MOU का ये पर्पस था कि हमारे बच्चों को इंडस्ट्री में एक्सपोजर मिले और वर्किंग एक्सपीरियंस मिले। तो आज की तारीख में केवल डिग्री लेना ही सफिशिएंट नहीं है, उस बच्चे को कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। तो ये सारी इंडस्ट्री के साथ में MOU हमारे बच्चों को वो सारी सुविधाएँ देगा जो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आनी चाहिए। सर एक लैब की भी बात हुई थी, क्या वो लैब है, क्या होगा? इनफैक्ट अभी हम जो है एक साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक साइंस में एक स्कूल इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम ऑफर करेंगे। आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले ही एम्फेसाइज किया था कि हमारी जो कंट्री है वो डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो आज की तारीख में मेजर जो आप देखेंगे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में हो रहे हैं। इवन एक छोटा सा 30 रुपये का बेचने वाला ठेले वाला भी जो है आपके पेटीएम से एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारे बच्चों को हम लोग जो है, क्योंकि साइबर में जो है फ्रॉड बहुत हो रहा है और अभी आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है जिसमें किसी भी महिला को जो है वो डिजिटली अरेस्ट कर लेता है, मीन्स उसको साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटिक करके और एक जगह में फिक्स कर देता है और उसका सारा पैसा निकाल लेता है। तो ये सारी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं इनमें वो बच्चा ये सब सीखेगा कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो आने वाले समय में क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक साइंस की इतनी डिमांड होने वाली है कि जॉब अपॉर्चुनिटी की अपार संभावना है। तो ये कोर्सेज उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे जो इन फील्ड में जाना चाहते हैं। ये इवेंट हमने इसलिए करा है कि ये हम एक स्कूल लॉन्च कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट साइबर से रिलेटेड, जो आज की तारीख में मतलब सबसे ज़रूरी है। गवर्नमेंट एक नया एक्ट भी ला रहे हैं जिसमें साइबर के एक रेगुलेशंस है वो पूरे करने पड़ेंगे, तो कॉरपोरेट और आम आदमी को उसकी शिक्षा मिल पाए इसलिए हमने ये डिपार्टमेंट लॉन्च करा है। ये वन ऑफ अ काइंड डिपार्टमेंट है पूरे राजस्थान में, अपेक्स यूनिवर्सिटी है जिसने ये डिपार्टमेंट लॉन्च करा है। और इसमें बेसिकली जैसे आप जानते होंगे आज की तारीख में कितना साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और ये फिशिंग चल रही है, इन सब के लिए पूरा AI टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम उन्हें सावधान करना चाह रहे हैं और उनको आगे के लिए बताना चाह रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को आप सावधानी से यूज़ कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा बात चल रहा है, जितना भी राजस्थान पुलिस के लोग हैं या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ट्रेनिंग के लिए हम MOU की बात कर रहे हैं कि जितने भी साइबर सेल है और पुलिस के अधिकारी हैं उनको हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स और उनकी सहायता से हम एक कोर्स डिज़ाइन करें ताकि हम उसे आम नागरिक तक पहुंचा सकें। एलिजिबिलिटी है कि ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी, कॉमर्स वाले लोग डिप्लोमा कर सकते हैं, साइंस वाले पूरा डिग्री कर सकते हैं, तो हर लेवल तक इसमें वो है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, सबको इसका ज़रूरत है, तो इस ओपन फॉर ऑल। आपका नाम? मेरा नाम विदांशु जूनीवाल, डायरेक्टर अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर।